हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक को करेंगे जो पिछले 5 साल में बहुत बार रिपीट किए गए हैं। स्पेशली ऐसे 5 टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट किए गए हैं 13 से 17 के बीच में, जिसमें से पहला टॉपिक है किंगडम मोनेरा। इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व करते हैं। 2017 नीट में आया हुआ क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। एक्चुअली आर्की बैक्टीरिया ही आंसर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुराना और सलाइन मीडियम को एक्सट्रीम कंडीशंस में जीने के लिए आर्की बैक्टीरिया स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं। इसके लिए आप बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर को बहुत ईजिली बस थोड़ा सा टाइम दे के सॉफ्टली अगर उसे एक बार सरसराती नज़र से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो साइनो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया तो पूरी तरह से एडवांस हो जाते हैं, बैक्टीरिया के सबसे ट्रू बैक्टीरिया की कैटेगरी में आने लगते हैं। साइनोबैक्टीरिया एल्गी हो जाते हैं, एक्चुअल में ये ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाते हैं। माइकोबैक्टीरिया अनदर कैटेगरी ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स। आर्की बैक्टीरिया जो सबसे पुराने हैं, ये एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस को बिलोंग करते हैं। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल, pathogenic to the plants as well as animal and cause and can survive without organism. Okay, सबसे छोटा सेल कौन सा है जिसमें डेफिनेट सेल वॉल भी नहीं होती है? Okay, तो यहाँ देखिए स्यूडोमोनास इसमें होती है, माइकोप्लाज्म नहीं होती है। ये माइकोप्लाज्म जो होते हैं लो जी प्लस सी कैटेगरी के बैक्टीरिया में आते हैं। माइकोप्लाज्म लुडविगाई, एक्चुअली इसको PPLO भी कहा जा सकता है, कुछ उसी कैटेगरी के हैं। और नॉस्टॉक भी एल्गी हो गया, बैसिलस बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्म इज द आंसर। इसको आप एक बुक आती है माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें आप इसको आप देख सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी की जो बुक है वो है प्रेस्कॉट एंड हेरले, उसमें काफ़ी अच्छे फिगर के साथ एक्सप्लेन किया गया है माइकोप्लाज्म को। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये भी 2017 में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल। तो हम सभी जानते हैं कि ये ग्लाइकोकैलिक्स होता है, इट इस ग्लाइकोकैलिक्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो। पहली बात तो बैक्टीरियल की बात करेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो, सेल वॉल बिल्कुल नहीं। इट इज़ ग्लाइकोकैलिक्स विच प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी 2017 का क्वेश्चन है, DNA रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स विद इन न्यूक्लियोलस प्रियर टू फिजन, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग एस फेज। एक्चुअली विद इन न्यूक्लियोलस ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो यूकैरियोट सेल्स में होता है। प्रियर टू फिजन, हाँ क्योंकि यहाँ पे फिजन होता है, तो यस इट इज़ द आंसर। फोर्थ का ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, ये 2016 का, मेथानोजेंस बिलोंग टू यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, डायनोफ्लैजेलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स। अगेन इट इज़ आर्की बैक्टीरिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, NCERT का जो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, बिल्कुल ये सारे क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर वहीं मिल जाएंगे। सो अगर NCERT लाइन टू लाइन अगर किसी ने पढ़ ली हो तो आई थिंक नीट तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अच्छा, यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। एक्चुअली ये पहला वाला ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि यू का मतलब होता है ट्रू, यू ग्रीक में इसका मतलब होता है ट्रू, तो दे आर ट्रू बैक्टीरिया, और यहाँ पे लिखा है कि दे आर कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, सम फंजाई आर एडिबल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन।
तो रॉन्ग हमें देखना है. देखिए कुछ फंजाई एडिबल हैं बिल्कुल, जैसे मशरूम यानी एगेरिकस वगैरह. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन मोनेरा, बिल्कुल नहीं. ये गलत है क्योंकि ऐसा नहीं होता है. सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, सही है. प्रोटेस्ट ये भी सही है, 2015 का क्वेश्चन. देन एट्थ क्वेश्चन, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, अगेन इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ 2015. सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्म, अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो माइकोप्लाज्म में एब्सेंट होता है. नॉस्टॉक में होगा, फ्यूनेरिया में होगा, एस्परजिलस में होगा. नाइन्थ क्वेश्चन 2015, द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक और होस्ट टिश्यू आर, ए ऑप्शन है मीजोसोम्स, बी है होल्ड फास्ट, सी है राइजॉइड्स एंड डी है फिम्ब्रे. तो यहाँ बैक्टीरिया की बात की जा रही है कि रॉक से अटैच होने के लिए किस टिश्यू या होस्ट टिश्यू से अटैच होने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. मीजोसोम की बात करें तो ये रेस्पिरेशन के लिए होता है. होल्ड फास्ट ये नॉर्मली ऐसे लोअर एनिमल्स या प्लांट्स यूज़ करते हैं जो सेसाइल नेचर के होते हैं, तो बैक्टीरिया के लिए ये फॉलो नहीं होता है. राइजॉइड्स ये प्लांट्स का कैरेक्टर है, लोअर प्लांट्स का कैरेक्टर से. फिम्ब्रे, सो फिम्ब्रे इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर. फिम्ब्रे से जुड़ते हैं ये. फिम्ब्रे क्या, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिससे कि वो अटैच हो जाते हैं. नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन व्हाट, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सो इट इज़ वेल नोन दैट दे आर डिफर इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. एनसीईआरटी की जो पहली वाली लाइन है जिसमें आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया का डिफरेंस है, सबसे पहले यही लिखा गया है. सो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन 2014. इलेवेंथ क्वेश्चन, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव, बैक्टीरिया है तो कैसे मूव करेगा, यहाँ पे फ्लैजला होंगे उनके साथ. सो दे मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजला. क्वेश्चन नंबर 12, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर नेमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स, हेट्रोसिस्ट, बेसल बॉडीज. पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन साइनोबैक्टीरिया, एक्चुअली दे आर क्रोमेटोफोर्स. ठीक है, ये कलर पिगमेंट्स होते हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 जो 2013 में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द डीप सी. डीप सी वाटर में कौन होगा, सिंपल सी बात है, जहाँ पे हम सलाइन की बात करते हैं जो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में रह सकता है वो आर्की बैक्टीरिया है. बाकी सेप्रोफिटिक फंजाई, सड़े यानी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जिएगा, यू बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं. ब्लू ग्रीन एल्गी सरफेस पे मिलेंगे आपको वाटर के, और डीप सी की अगर बात करेंगे तो इट इज़ ओनली आर्की बैक्टीरिया. ये था फर्स्ट टॉपिक. सेकेंड है यूकैरियोटिक सेल. इस टॉपिक से भी खूब सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और बार बार कॉम्पिटिशन्स में आते हैं. 2017 का क्वेश्चन है एंड इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म ATP. ATP बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनली यूज़ होता है, बहुत सिंपल है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे. बिल्कुल, इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. किचन क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होती है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग होता है. सो हमारा आंसर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ सेलेक्ट द मिसमैच, 2016 का क्वेश्चन है. मिसमैच को हमें पता लगाना है. गैस वैक्यूल्स, ग्रीन बैक्टीरिया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एनिमल सेल, प्रोटिस्ट, यूकैरियोट्स, मेथानोजेंस, प्रोकैरियोट्स. तो सबको पता है कि एनिमल सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल की खासियत होती है. ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द सेल ऑर्गेनली कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. अभी अभी मैंने बताया कि लाइसोसोम जो कि सुसाइडल बैग होती है, आंसर इज लाइसोसोम बिकॉज ऑल अदर स्ट्रक्चर्स आर डिजाइंड फॉर अदर फंक्शंस. क्वेश्चन नंबर 17, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स. यस, हाँ बिल्कुल, फॉर्म्ड बाई डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स एंड दे कंटेन DNA बट लाइक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी. अच्छा, ऐसा भी है क्या.
सो लेट डिस्कस, अभी इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कशन में ये करते हैं दोस्तों कि ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली तो है क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है और ये ज़रूरत पड़ने पे दोनों ही सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं। सो ए इज़ ट्रू, लेकिन सेकंड अगर पढ़ते हैं जो स्टेटमेंट दिया है, फॉर्म्ड बाय डिवीज़न ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स एंड दे कंटेन डीएनए, बिल्कुल डीएनए तो है लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी गायब नहीं होती है, बल्कि प्रोटीन की सिंथेसिस जो कि सेल के अंदर होती है इसको ये यूज़ कर लेते हैं। सो पहली बात तो ये प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स वाली कॉन्सेप्ट से फॉल्स हो जाता है। सो ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स, ये वाला ऑप्शन सही हो गया क्योंकि ए और बी दोनों फॉल्स हो नहीं सकते, ए और बी दोनों करेक्ट हैं ही नहीं, बी ट्रू नहीं है और ए फॉल्स नहीं है, ए तो करेक्ट है, 100% करेक्ट है। सो 17th का आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 18, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर कैरोटिन्स, कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनेंस, जैंथोफिल्स, क्लोरोफिल्स। सो वैक्यूल की बात करिए, सेल वैक्यूल में एंथोसाइनिन पाए जाते हैं, कैरोटिनॉइड्स, जैंथोफिल्स, क्लोरोफिल्स, ये सभी प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं, वैक्यूल में केवल एंथोसाइनिन इसमें से केमिकल पाया जाता है। सो आंसर इज एब्सोल्युटली एंथोसाइनिन। देन माइक्रोट्यूबुल्स आर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर्स, क्रोमैटिन, बी ऑप्शन है सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रियोल्स, सी ऑप्शन है सीलिया, फ्लैजेला, पेरोक्सिसोम्स, डी ऑप्शन है स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। यस, स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया, यस, इट 19th का ऑप्शन जाएगा डी। देन क्वेश्चन नंबर 20 नंबर की बात करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। देखिए न्यूक्लियाई भी डबल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है, ओनली लाइसोसोम इन दिस ऑल फोर ऑप्शंस आर दे आर सिंगल मेम्ब्रेन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, लाइसोसोम, मीजोसोम, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों ने आंसर तो बिल्कुल गेस कर लिया होगा, इट इज राइबोसोम। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट, सेलुलर ऑर्गेनेल्स विद मेम्ब्रेन्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड न्यूक्लियाई, देन लाइसोसोम, गॉल्जी अपैरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द करेक्ट आंसर इज ये बी, लाइसोसोम, गॉल्जी अपैरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे दो कॉलम दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन मिलाना है कॉलम ए और बी में, थैलाकॉइड, क्रिस्टी, सिस्टर्नी एंड क्रोमैटिन। थैलाकॉइड क्या होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्रिस्टी क्या होती हैं, इनर फोल्डिंग्स होती हैं, सिस्टर्नी क्या होती हैं, ये भी फोल्डिंग्स होती हैं बट क्रिस्टी से अलग होती हैं, अभी हम मिलाएंगे तो पता चल जाएगा। क्रोमैटिन बट ऑब्वियस है कि ये क्रोमोसोम का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्रोमैटिन है। थैलाकॉइड्स डिस्क शेप्ड सैक इन गॉल्जी अपैरेटस, नो, कंडस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, नो, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक, यस, ये वाला ए का हो गया थर्ड, तो ए का देख लीजिए 3, कुल मिला के 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, ए, बी एंड डी, सी वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। देन क्रिस्टी जो है माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है, सो इन फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4, सो बी और डी, अभी तक 2 ऑप्शन आपको मिल गए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सी जो होता है डिस्क शेप शैक इन गॉल्जी अपैरेटस, बिल्कुल, क्योंकि क्रोमैटिन कंडेंस स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, सो सी का ऑप्शन हो जाएगा 1 और डी का ऑप्शन हो जाएगा 2, सी का ऑप्शन हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2, सो दिस इज आंसर डी फॉर 23।
नाउ 2014 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर आर नोन एज, सो इट इज माइक्रोफिलामेंट. क्वेश्चन नंबर 25, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 25 जो 2014 में आया था, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, तो आपको पता ही चल गया होगा कि ऑस्मोटिक एक्सपेंशन को रेगुलेट करने के लिए कौन सी इसमें से स्ट्रक्चर होती है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस करती है. प्लास्टिड्स, नहीं क्योंकि अगर क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, अदरवाइज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कलरफुल फिगर्स या स्टोरेज के लिए. राइबोसोम की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस, तो सिंपली वैक्यूल ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है जो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा. इसके बाद मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. सेंट्रियोल, क्लोरोफिल, क्रिस्टी, राइबोसाइम्स, ये 2014 का क्वेश्चन है. अगेन क्लोरोफिल से स्टार्ट करते हैं जो इजी है, सबको पता है क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं. सो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इन फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, थैलाकॉइड्स, न्यूक्लिक एसिड, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैचुला. ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर द मैचिंग हियर, क्लोरोफिल. एक्चुअली क्लोरोफिल क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, थैलाकॉइड्स में. थैलाकॉइड्स कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में. तो बी के लिए आंसर होना चाहिए टू, बी के लिए आंसर होना चाहिए टू. तो यहाँ पे कुल मिला के ए और बी दो ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं, बी के लिए ऑप्शन टू. ओके, देन क्रिस्टी. क्रिस्टी अभी हम लोगों ने ऊपर एक क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग्स होती हैं, अंदर उंगली नुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं कुछ ऐसे. देखिए ये बाहर का स्ट्रक्चर अगर माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया तो ये अंदर की ओर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं उंगली नुमा, जहाँ पे F1 पार्टिकल्स, ऑक्सीसोम पार्टिकल्स लगे होते हैं. सो दिस इज क्रिस्टी. सो क्रिस्टी इनफोल्डिंग्स, सी का वन ऑप्शन हो गया. यस, सो बहुत ईजिली आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, 2014 में आए हुए क्वेश्चन हैं. नेक्स्ट, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले मेजर रोल इन एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेलिज इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड्स, इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इन टू द केमिकल एनर्जी इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. 2013 का क्वेश्चन है ये. अब इसको हम बारी बारी चारों ऑप्शन को अगर हम पढ़ते हैं तो फिर से आपको आंसर मिल जाएगा. गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन काम क्या है, एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेली, नहीं एनर्जी ट्रांसफर करने वाला ऑर्गेनेली बिल्कुल भी नहीं है ये. देन बी इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, हाँ प्रोटीन को चेंज करने का काम करता है ये, प्रोटीन को चेंज करने का काम करता है ये. इन ट्रैपिंग लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इन टू केमिकल एनर्जी, नहीं ये काम क्लोरोप्लास्ट करता है ना कि ये करता है. इन डाइजेशन, डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल नहीं. यहाँ पे एंजाइम्स होती हैं ना कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, इसलिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स का रोल यहाँ पे फिनिश हो जाता है. यहाँ पे मॉडिफिकेशन या ग्लाइकोसाइलेशन ही एक सबसे बेस्ट आंसर मिलता है. क्वेश्चन नंबर 28, इस फिगर में मैचेस व्हाट इज विद इट्स फंक्शन. ठीक है, ये जो फिगर है यहाँ पे फंक्शन हमको दिखाना है. इट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज इन द फिगर करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन. ये फिगर किसका है और क्या फंक्शन है ये हमें बताना है. बहुत सिंपल, आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये इस पर लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. इस पर डॉट 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 बना हुआ है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. सो इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि ये जो डॉट 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 स्ट्रक्चर्स हैं ये राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर. नाउ मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स के लिए जो सबसे मेजर साइट होती है वो कौन सी है, अभी अभी हमने पीछे सॉल्व किया है. यस एब्सोल्युटली, एंड द आंसर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अभी अभी
सेवन नंबर क्वेश्चन आई थिंक वो था, डाइजेशन ऑफ फूड, तीसरा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड, जिसे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और जाहिर सी बात है डाइजेशन से तो क्वेश्चन आएंगे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस का बेस्ट कंपोजिशन इनमें से कौन सा ग्रुप शो करता है, अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, माल्टेज, पेप्टिडेज, अमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, पेप्टिडेज, ट्रिप्सिनोजन, रेनिन। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसकी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसका जो करेक्ट सीक्वेंस आंसर है वो सी सबसे बेस्ट आंसर है। लाइपेज पाया जाता है पैंक्रियाटिक जूस में, अमाइलेज होता है, ट्रिप्सिनोजन होता है एंड प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज होता है। बाकी तीन ऑप्शन कैसे गलत हो गए वो मैं आपको समझाता हूँ। अमाइलेज पाया जाता है, नो डाउट अमाइलेज तो होगा ही, लेकिन पेप्सिन, पेप्सिन जो है वो हमारे स्टमक में पाया जाता है, यानी ये गैस्ट्रिक जूस है ना कि पैंक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन है, तो यहाँ से ये गलत हो गया। अगेन यहाँ पे पेप्सिन है, देखिए यहाँ पे अगेन इट इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। और डी वाले की बात कर लें, अमाइलेज के साथ पेप्टिडेज एंड ट्रिप्सिनोजन देन रेनिन है, तो यहाँ पे पेप्टिडेज एंड रेनिन, क्योंकि ये रेनिन वाला जो कंपोजिशन है ये भी स्टमक में पाया जाता है, जो रेनिन है और पेप्सिन है ये दोनों स्टमक के एंजाइम होते हैं, सो अगेन इट इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। तो इसलिए हमारा सी वाला सबसे बेस्ट आंसर रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। एक हार्मोनल इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम करके एक छोटा सा वीडियो मैंने 2-3-4 मिनट का डाला है, उसमें यही हार्मोनल इफेक्ट मैंने दिखाया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाते हैं। एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन, गैस्ट्रीन एंड इंसुलिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंसुलिन एंड ग्लुकेगॉन। यहाँ बात की जा रही है पैंक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट्स की, तो पैंक्रियाटिक जूस यानी पैंक्रियास पे काम करने वाला होना चाहिए। सो बहुत अच्छे से उस वीडियो में मैंने बताया है कि इट इज़ कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन, CCKPZ करके एक हार्मोन मैंने वहाँ बताया होगा, कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन। कोलेसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लेडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन रखता है, सिक्रेटिन पैंक्रियास पे जाता है और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस को ऑर्डर करता है सिक्रेट होने के लिए, लेकिन सिक्रेटिन से जो पैंक्रियाटिक जूस आते हैं उसमें कार्बोनेट आयंस होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं मैक्सिमम, ना कि कोई एंजाइम होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस भी है समझने लायक। नाउ द नेक्स्ट इज द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सकस इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, और बेस्ट ऑप्शन इसका आंसर है डी, क्योंकि न्यूक्लियोसाइडेज प्रेजेंट होता है, लाइपेज होता है, माल्टेज होता है, इसी तरह से सुक्रेज होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स जो हम जानते हैं, इसको पिछले वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से जाना है, जो डाइजेशन वाले वीडियो हैं उसमें आपको ये सारे आंसर स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाई, एक्चुअली ये रेनिन होता है, ठीक है, बच्चों में तो रेनिन ही होता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं रेनिन का कंसंट्रेशन कम होता जाता है, तो ये पेप्सिन में इस यहाँ पे पेप्सिन ही काम करने लगता है। अभी जो रेनिन है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये मिल्क में जो इनिशियल स्टेज की यहाँ बात की जा रही है, तो इसको हम कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, विच एंजाइम आर लाइकली टू एक्ट ऑन बेकेट पोटैटोज ईटन बाई अ मैन, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ दे मूव डाउन टू द एलिमेंट्री कैनाल, यानी मुँह से शुरू करते हैं और एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट तक जो डाइजेशन का सिस्टम है, अगर हम पोटैटो खाते हैं तो कौन सा एंजाइम यहाँ पे वर्क करता है ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, लाइपेज, बिल्कुल गलत है, पहले सलाइवा आएगा तब बाकी कुछ आएगा। बी ऑप्शन है डाइसेक्राइड लाइक माल्टेज, बिल्कुल फिर से गलत हो गया, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी माल्टेज, अमाइलेज बिल्कुल यहाँ पे काम करता है अमाइलेज, माल्टेज सीधे कैसे काम कर सकता है, पहले सलाइवरी अमाइलेज, फिर पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक अमाइलेज, देन डाइसेक्राइड्स, जो डाइसेक्राइडेज होंगे
यहाँ पे आप माल्टेज, सुक्रेज और वगैरह वगैरह का नाम ले सकते हैं. सो ऑप्शन सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन. जो चौथा पोर्शन है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वो है इनफर्टिलिटी. 2015, 16, 17 हर साल एक एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है. सो इन केस ऑफ अ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक इज सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन. ऐसा मेल जिसमें स्पर्म काउंट बहुत लो है तो हम कौन सा टेक्निक यूज़ करें कि फर्टिलाइजेशन श्योर एंड सर्टेन हो ही जाए. पहला ऑप्शन दिया है गैमीट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फेलोपियन ट्रांसफ़र. दूसरा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तीसरा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. और चौथा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस. एक्चुअली अगर हम एक ऑप्शन की बात करें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है. ऐसा बुक में भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है बट बहुत सारे साइड बुक में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का भी जिक्र होता है. सो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर हो गया बट आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. क्वेश्चन नंबर 36. एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इन टू वेयर इट इज़ ट्रांसफर्ड. बताइए, आप ही बताइए, आपको तो ऑप्शन सारे पता होंगे. येस एग्जैक्टली, उसे हम यूटेरस में ट्रांसफ़र करेंगे. ठीक है, क्योंकि फिम्ब्री में तो एग होता है, सर्विक्स में स्पर्म्स और फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. पर यहाँ पर 16 ब्लास्टोमियर बन चुके हैं यानी ब्लास्टुला स्टेज के आसपास हो गया. सो इट इज़ ट्रांसफर्ड इन टू वेयर यूटेरस. येस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू द टेक्निक कॉल्ड GIFT. ओके, इट इज इन शॉर्ट गिफ्ट. द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज, तो जिसने भी NCERT पढ़ी होगी वो बोलेगा येस आई नो द आंसर. इट इज गैमीट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर. ये हो गया डी ऑप्शन करेक्ट. नाउ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ, ये फिर से NCERT वालों के लिए जय हो, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब. यस अगेन इट इज द करेक्ट आंसर. नाउ 39th क्वेश्चन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स, ए ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वेगाइना. Introduction of sperm of healthy donor directly into the ovary. Transfer of sperm of healthy donor to a test tube containing ova. And D. Transfer of sperm of husband to a test tube containing ova. Simple है. Artificial insemination. जरूर answer आपको याद आ गया होगा. Yes, exactly. Artificial introduction of sperm of healthy donor into the vagina. इसी को हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कहते हैं और इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी कई बार दिया गया है. और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को एनिमल हस्बेंड्री वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से बताया गया है. और जो पांचवा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वो है टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. एंड द 40th क्वेश्चन इज द DNA फ्रेगमेंट सेपरेट्स on an agarose gel can be visualized after staining with acetocarmine, aniline blue, ethidium bromide, bromophenol blue. It is ethidium bromide. ठीक है, ये भी आप लोगों को वीडियोज़ में मिल जाएंगे जो मैंने अपलोड किए हैं. एसिटोकारमिन नॉर्मली हम क्रोमोसोम को देखने के लिए ज़रूर करते हैं बट वो सेल के अंदर जब माइटोसिस हो रही होती है तब उसको हम यूज़ करते हैं. सो इट इज एथीडियम ब्रोमाइड. इसके बाद चमकने लगते हैं फ्रेगमेंट्स, तब हम इसको देखते हैं. DNA फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रल, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज. पॉजिटिवली चार्ज्ड ना, DNA फ्रेगमेंट्स आर ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है, जो हिस्टोन प्रोटीन्स पे फिर बाद में रैप होके रहते हैं. A gene whose expression help to identify transformed cell is known as vector, plasmid, structural gene,
It is selectable markers. It is the selectable markers. What is the criteria for DNA fragments movement on the agarose gel during gel electrophoresis? Criteria ki baat kar rahe hain, to the smaller fragment the size the farther is the move. Haan, bilkul, positively charged fragments move farther and negatively charged do not move. The larger the fragment size farther move. No. जितना छोटा होगा वो उतना दूर जाएगा, यानी बड़े से छोटे क्रम में अरेंज हो जाता है. ये भी हम लोगों ने वीडियोस जो बनाया है मैंने, उन वीडियोस में आपको मिल जाएगा. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, फिलहाल तो इजी है भी. अब फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन बी ज्वाइंड टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. जैसी बात है, हमको पता है कि जोड़ने वाला एंजाइम कौन होता है, लाइगेज होता है. ये जोड़ने का काम करता है, सो इट इज लाइगेज. विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड. अब इसके लिए एनसीईआरटी में एक छोटा सा लाइन दिया हुआ है, उसको हमको देख लेना चाहिए, और जहाँ पे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है. SAL1 इको RV या R5, यस दिस इज. Now 46th question, the TEC polymerase enzyme is obtained from Bacillus subtilis, Pseudomonas putida, Thermus aquaticus, Thiobacillus ferredoxin. So TEC polymerase Thermus aquaticus se milta hai. It is all given in NCERT book, line by line sirf padhne ki zarurat hai. फिर से देख लीजिए, टेक पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ से पाया गया था. पहला ऑप्शन है बैसिलस सबटिलिस, दूसरा है स्यूडोमोनास प्यूटिडा, तीसरा है थर्मस एक्वाटिकस और चौथा है थायोबैसिलस फेरोक्सीडेंस. आंसर है थर्मस एक्वाटिकस. 47th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस. ये भी हमको पता चल गया कि कौन सा. सो इट इज हिंड टू HIND 2. इट इज ऑलरेडी गिवन, वी नो इट वेरी इजिली. Which of the following is not feature of plasmid? Plasmid का feature नहीं है क्या? Transferable, single stranded, independent replication, circular structure. So ये कि single stranded कभी भी नहीं होता है. Next is the DNA molecule to which the gene of interest is integrated. तो उसको हम vector बोलते हैं, जो ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, vector DNA इसको हम बोलते हैं. Next is the question number 50. The cutting of DNA at specific location became possible with the discovery of selectable markers, ligase, restriction enzymes, probes. Answer aapko pata chal gaya. Yes, it is restriction enzymes. Restriction enzymes ki khoj ne biotechnology mein bahut bada kranti laya hai, aur ye restriction enzymes hi hain, jaise ECO, R1 vagera vagera, yahi sab स्पेसिफिक लोकेशंस पे जब खोजे गए तो हमें पता चल गया कि अब हम कुछ भी डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड स्पेसिफिक साइट को कट करके दूसरी जगह लाइगेट करके मनवांछित जो क्या बोलते हैं नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए है हम बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए. सो इट इज आई थिंक प्लाज्मिड वेक्टर छोटे से वेक्टर के लिए यूज किया जाता है, छोटा फ्रेगमेंट बनाने के लिए डीएनए के लिए. द कॉमनली यूज वेक्टर्स फॉर ह्यूमन जीनोमिक सीक्वेंसिंग इज इट इज BAC एंड YAC. फुल फॉर्म भी ऑलरेडी गिवन है NCERT में. और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. थैंक यू.